बरेली के मौलाना तौकीर रजा अब धर्म परिवर्तन कराएंगे। किस दिन कराएंगे इसकी तारीख बता रहे हैं, वक्त भी बता रहे हैं, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन होगा ये भी बता दिया है। तौकीर रजा का कहना है कि यूपी में अब सामूहिक धर्म परिवर्तन होगा। मौलाना तौकीर रजा ने इसके लिए प्रशासन से भी मंजूरी मांगी। यानी एक ओर सुप्रीम कोर्ट धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त है, सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर मौलाना सामूहिक धर्म परिवर्तन की तैयारी कर इजाजत मांग रहे हैं। इत्तेहाद मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो 23 लड़के लड़कियों का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराएंगे। धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनका सामूहिक निकाह भी कराया जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत 5 लड़के लड़कियों से होगी। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे धर्म परिवर्तन कराकर सामूहिक निकाह कराया जाएगा, जिसके लिए तौकीर रजा ने जिला प्रशासन से इजाजत भी मांगी है। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं, उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं, तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, ज़िला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौलाना तौकीर रजा ने एक विशेष समुदाय का नाम लेते हुए कहा है कि हमने सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए जिला प्रशासन से इजाजत मांगी है, लेकिन वे लोग तो ये भी नहीं मांगते हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियों का ब्याह करवा दिया। रोजाना खबर आती है कि फला हिंदू हो गया, फला हिंदू हो गया, और न कोई एतराज करता है, हमारी तरफ से भी कोई एतराज नहीं किया जाता है और जिला प्रशासन भी उन पर कोई एतराज नहीं करता है। हम तो परमिशन मांग रहे हैं, शायद उन लोगों ने तो कभी परमिशन भी नहीं मांगी है। मैं पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म का मामला चल रहा है। मौलाना के इस भड़काऊ बयान का किसी भी तरीके से NBT ऑनलाइन समर्थन नहीं करता है। वहीं बता दें कि तौकीर रजा बरेलवी मुसलमानों के बीच खासा प्रभाव रखने वाले और अपने तल्ख बयानों के लिए जाने जाते हैं। ये वही तौकीर रजा हैं जिसे बीते दिनों अदालत ने बरेली दंगे का मास्टरमाइंड करार दिया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।